little bit of room. Needs cover. Misfield. Just the one. Good over. The best. जनाब जैसा कि आप लोग मैच देख रहे हैं, मैच की सूरत हाल ये है कि न्यूजीलैंड ने 163 रन बनाए, 7 खिलाड़ी आउट हुए थे उसके, और 20 ओवर का जो खेल वो खेल चुकी है, और इसके अगेंस्ट जो है पाकिस्तान अभी 65 पे 2 खिलाड़ी इसके आउट हो चुके हैं, और पाकिस्तान को अभी जो है वो 99 रन चाहिए 57 बॉल पर, यानी कि 99 रन रिक्वायर्ड है 57 बॉल पर। और बाबर आजम आज जो है वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, हालांकि उनसे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि आज वो बड़ी इनिंग खेले। मोहम्मद रिजवान बहरहाल क्रीज पे मौजूद है, 29 रन बना चुके हैं 26 बॉलों पे। शान मसूद अगेन दोबारा फ्लॉप हो चुके हैं, 90 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 19 रन बनाए अभी तक, और मोहम्मद नवाज़ अब बैटिंग के लिए आ चुके हैं। तो अभी शान मसूद अभी बिल्कुल आउट हुए हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीतेगा या न्यूज़ीलैंड ये जो है वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगी, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में हमें बता सकते हैं। और मुझे अभी तक कोई फीलिंग नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ीलैंड के हक़ में जो है वो पूरे का पूरा मैच है। पाकिस्तान को स्ट्रगल करना पड़ेगा और थोड़ा तेज़ खेलना पड़ेगा, और देखते हैं कि नीचे के बैट्समैन जो है वो किस तरीके से इसको वाइंड अप करते हैं। बहरहाल अभी तक ये सूरत हाल है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।